नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की सेवाएं मंगलवार दोपहर अचानक ठप पड़ गई। व्हाट्सएप डाउन होने का असर इसके करोड़ों यूजर्स पर पड़ा और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप यूजर्स एक दूसरे को मैसेज नहीं कर पा रहे थे। लंबे इंतजार के बाद अब यूजर्स पहले की तरह चैटिंग कर सकते हैं और व्हाट्सएप की सेवाएं रीस्टोर हो गई हैं। पाकिस्तान की जेल में 17 साल सजा काटकर बिहार का श्याम सुंदर दास से जब इस दिवाली पर घर पहुंचा, सुपौल जिले के प्रतापगंज के रहने वाले श्याम सुंदर ने बरसों बाद अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाई। वह पंजाब में काम करने गया था और फिर भटककर बॉर्डर पार कर गया। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उसे 17 साल पाकिस्तान की जेल में काटने पड़े। ब्रिटेन में मची सियासी उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री चुने गए ऋषि सुनक ने सांसदों को एक रहो या मरो के मंत्र पर काम करने की नसीहत दी है। मंगलवार को हुई कंजर्वेटिव पार्टी की मीटिंग में ऋषि सुनक ने यह बात कही। 42 वर्ष के सुनक बीते दो सदियों में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के पीएम हैं। एक मजेदार तथ्य यह भी है कि चर्चिल के बाद वह ब्रिटेन के सबसे छोटे कद के प्रधानमंत्री होंगे, जिनकी लंबाई 5'6" ही है। किंग चार्ल्स तृतीय से मिलने के बाद वह पीएम के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। चीन के सुदूर पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में जबरन श्रम के जरिए कपास का उत्पादन किया जा रहा है। श्रमिकों की प्रताड़ना और यौन शोषण वहां आम बात है। ऐसे कपास के आयात को रोकने में विफलता को चुनौती देने के लिए एक उड़गड़ संगठन और एक मानवाधिकार समूह ब्रिटिश कोर्ट में चीन के खिलाफ सुनवाई हो रही है। सर्वर डाउन होने की वजह से भारत समेत दुनिया में कई देशों में व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया। ट्विटर पर इसको लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई। ऐसे में नेता कहां इससे पीछे हटने वाले थे। व्हाट्सएप बैन पर भी राजनीति शुरू कर दी गई। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बता डाला। दिल्ली में आपके विधायक ने व्हाट्सएप डाउन होने को गुजरात चुनाव से भी जोड़ दिया। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मांकडिंग का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है और कहा है कि अगर मैं भी क्रीज से बाहर हूं तो आउट दिया जाना चाहिए, इसमें खेल भावना की बात नहीं है। हालांकि अभी तक इसे अनफेयर प्ले कहा जाता था, लेकिन उस भी ये लीगल था और अब इसे पूरी तरह से नियमों के तहत कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नज़दीक नाहरलगुन दैनिक बाजार में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई। इस हादसे में 700 दुकानें जलकर खाक हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने की जानकारी तड़के करीब 4 बजे मिली। उन्होंने बताया कि यह राज्य का सबसे पुराना बाजार है और ईटानगर से करीब 14 किलोमीटर दूर नाहरलगुन में अग्निशमन केंद्र के नज़दीक स्थित है। फिल्म राम सेतु की कहानी को आसान भाषा में बयां किया जाए तो इस पर है कि क्या तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बने हुए राम सेतु को प्रभु श्री राम ने बनाया या फिर ये प्रकृति का कोई करिश्मा है। फिल्म में आर्यन कुलश्रेष्ठ के किरदार में अक्षय कुमार हैं, जो कि आर्यन की पत्नी गायत्री के किरदार में नुसरत भरूचा हैं। वहीं जैकलिन फर्नांडिस एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के किरदार में हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मेगा इवेंट के अपने पहले मैच में कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने दिनेश कार्तिक पर भरोसा जताया। पंत इस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के दौरान वह बाउंड्री लाइन पर ही खड़े नजर आए। सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस उर्वशी का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। पंत पहले तो इसको अनसुना करते हैं और फिर फैंस को इशारा करते हुए कहते हैं कि पहले मैच पर ध्यान दे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला अपने पति को बिना किसी सबूत के ही शराबी और व्यभिचारी कहती है तो यह क्रूरता है। कोर्ट ने अपने फैसले में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें शादी को खत्म करने की बात कही गई थी। मैक्स लाइफ के मुख्य निवेश अधिकारी मिहिर वोरा ने ट्विटर पर एक ग्राफ साझा किया है। इस ग्राफ के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की मास्टर क्लास पारी ने कुछ समय के लिए ऑनलाइन खरीदारी बंद कर दी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक एडमिशन के लिए कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम राउंड 2 आज 25 अक्टूबर 2022 से डीयू के आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर शुरू हो रहा है। एडमिशन शेड्यूल के अनुसार खाली रह गए सीटों के लिए राउंड 2 CSAS के जरिए 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे से सीटों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। दीपावली की रात रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड से अप्रिय घटना घटने की खबर आई। यहां बीती रात मूनलाइट नामक बस में आग लग गई। आग लगने की वजह से बस में सो रहे 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। दोनों मृतकों की पहचान मदन महतो और इब्राहिम के रूप में की गई है। गरीब कुम्हार के दियो और माटी के खिलौनों को बेरहमी से तोड़ रही महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि महिला के इस कृत्य से लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिली है।
बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या है, ये कई सालों से बिहार के लिए समस्या बनी हुई है। उत्तर बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है, लेकिन यहाँ औद्योगिक विकास की संभावनाएं अधिक हैं। वहीं दक्षिण बिहार में केवल 22% ही औद्योगिक लैंड बैंक है। अक्षरा सिंह हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, बराबर अपने फैंस के लिए वीडियो रील्स और फोटो अपलोड करती रहती हैं। अभी तो इंस्टाग्राम पर छठ पूजा के पोज में हैप्पी दिवाली विश करते हुए वीडियो उनका अपलोड किया गया है। दिवाली की रात साइक्लोन सितरंग के तूफान की चपेट की वजह से बांग्लादेश में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई। इस तूफान का असर ओडिशा और झारखंड में भी नजर आने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वानुमान है कि झारखंड में 25 से 27 तक राज्य में फिर बारिश हो सकती है। जदयू ने बीजेपी और आरएसएस पर एक बार फिर से तीखा हमला किया है। पटना के इनकम टैक्स ग्लम्बर पर जदयू के द्वारा पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि भाजपा और आरएसएस देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है। बांग्लादेश तट पर मंगलवार को चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी, इससे यहां 9 लोगों की जान चली गई है। तूफान इतना शक्तिशाली था कि पेड़ उखड़ गए, कई मकान ढह गए, सड़कें ध्वस्त हो गई, यहां तक कि संचार नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो गया, यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। ब्रिटेन के अगले पीएम ऋषि सुनक के ससुर और इंफोसिस के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति ने उन्हें बधाई दी है। नारायण मूर्ति ने कहा कि हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वह यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस साल यह तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 6:48 पर शुरू हो चुकी है और 26 अक्टूबर को सुबह 5:12 पर समाप्त होगी। लेकिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने की वजह से गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर की बजाय 26 अक्टूबर को होगी। वहीं 26 अक्टूबर को दोपहर 2:43 से भाई दूज शुरू होकर 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 तक खत्म हो जाएगा। छठ तक दिल्ली पटना बस सेवा पूरी तरह फुल है, ट्रेनों में 9 रूम और दीपावली पर दिल्ली से पटना आने वालों की भीड़ के चलते बीते 4 दिनों से यह फुल चल रहा था। मंगलवार से रविवार छठ के दिन तक का टिकट बिल्कुल फुल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं, हमारे देश में भी जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। कोलकाता से करीब 35 किलोमीटर उत्तर में बैरकपुर के पास मंगलवार सुबह देसी बम फटने से 7 साल के बच्चे की जान चली गई और 10 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे बम को गेंद समझकर खेल रहे थे, तभी उसमें विस्फोट हो गया। घायल बच्चे को पहले भाटपाड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कोलकाता के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। भाजपा की तरफ से टिकट बदलने को लेकर चर्चा में आया चंबा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में है। टिकट बदलने के बाद पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज चल रही हैं। इंदिरा कपूर ने मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है। इसके बाद अब भाजपा प्रत्याशी नीलम नैयर की चुनावी मुश्किलें बढ़ना तय है। मंदी की आशंकाएं अब हकीकत में बदलती दिख रही है। दुनिया भर में अलग अलग सेक्टर की दिग्गज कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल तो रॉयल फिलिप्स एनवी ने भी 4000 लोगों की छटनी का ऐलान किया है। वहीं अब इसकी सूची में मेटा के स्वामित्व वाले फेसबुक भी शामिल हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने को लेकर भारत सरकार पर तंज कसा है। इस पर कवि कुमार विश्वास ने उनकी चुटकी लेते हुए पलटवार किया है। दरअसल सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने पर मुफ्ती ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन लगे हाथ तंज भी कस डाला। ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर कांतारा आए दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले महीने 30 सितंबर को रिलीज हुई कांतारा का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस जारी है। दुनिया भर में इस कल्चरल मास्टरपीस को दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। अब इस फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर साल की सबसे चर्चित फिल्म KGF 2 का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। दिवाली पर पटाखों की आतिशबाजी के बाद देश के कई राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पंजाब के लुधियाना में सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 269 दर्ज किया गया। इस बीच पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलदारा सिंह संधवा ने पराली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। डेढ़ माह पहले तमिलनाडु से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अब कठिन राज्यों की तरफ बढ़ रही है। इससे उनके कहने का अर्थ महाराष्ट्र और तेलंगाना और जम्मू कश्मीर राज्य से है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव नजदीक है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकुमार प्रसाद, कौशल मरवा, अखिलेश यादव, नुनू कुमार, मोहम्मद नौशाद रजा, राम नमी मांझी, मुटू रंगीला, भान प्रकाश मौर्य और दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस ब्रिटेन ने भारत पर सैकड़ों वर्ष राज किया। इस बीच आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप सुनक को क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना।
इतना ही, धन्यवाद।